हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो इसलिए मैंने हाथ ऐसे रखा है। सो गाइस, आप पीछे देख सकते हो, हम लॉन्ड्री के लिए आए हैं। तो हम वेडनेसडे अपनी लॉन्ड्री के लिए आते हैं। तो आज मेरा मॉर्निंग में थोड़ा सा काम वाम निपटा के फिर मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ अपने लॉन्ड्री के लिए। तो अभी हमने अपने क्लोथ्स डाल दिया है, अभी 25 मिनट्स का वेटिंग है। तो हम वेट कर रहे हैं जब तक हमारे कपड़े होंगे, और उसके बाद हम ड्रायर में डालेंगे। जैसा कि आपने पहले भी हमारी वीडियो देखी होगी, वही लॉन्ड्री का पूरा वही सिस्टम है। तो मैं बार बार वो दिखाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं से गुड मॉर्निंग कह देते हैं। और थोड़ा यहीं पर घूम रहे हैं फिलहाल के लिए। नायर अपनी कैंडी इंजॉय कर रही है अपने स्ट्रॉलर में बैठ के। यहाँ पर एक्चुअली पार्किंग एरिया है ये पूरा, तो नायरा इधर से उधर भाग रही थी, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रॉलर में बिठा दिया मैडम को। सो अभी थोड़ी देर में बस आधा घंटा बाहर घूम घाम कर उसके बाद हम अपने ड्राई के लिए अंदर जाएंगे। सो गाइस, हमारे कपड़े तो वॉश हो गए हैं, तो अभी बस ड्रायर में डाले हैं। उसमें अभी आधा घंटा लगेगा, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर वॉक की जाए। तो जिस एरिया में हम घूम रहे हैं, ये लॉन्ड्री के बैक साइड वाला एरिया है सारा, तो हमने सोचा वॉक ही हो जाएगी आधा घंटा नायरा के साथ। नायरा अपने पापा के साथ है पीछे स्ट्रॉलर में, क्योंकि गाड़ी आ जा रही है, तो हमने इसलिए उसके लिए स्ट्रॉलर ले लिया था और उसे बांध दिया है मैडम को। और यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये पूरा सोसाइटी एरिया है। यहाँ पर एक जैसे घर दिख रहे होंगे आपको, ये पूरा एरिया सोसाइटी का है। ये सारे एक जैसे घर है पर सब अलग अलग बने हुए हैं, बट ये पूरा सोसाइटी एरिया है। और बहुत शांति है यहाँ पर, ऐसा सुनसान जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे बहुत ही मतलब कोई रहता ही ना हो। और बीच बीच में गाड़ियाँ भी आ रही है, और यहाँ पर का इंस्ट्रक्शंस भी रहती है एक्चुअली। अगर रेजिडेंट एरिया होता है, मतलब इधर हमारे एरिया में भी और रेजिडेंट एरिया में, कि स्पीड यहाँ पर लिखी होती है कि स्पीड से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये यहाँ पर हर स्टॉप पर आपको दिख जाएगी कि यहाँ पर स्पीड कितनी करनी है, 20, 30, 30, 40 जो भी है वो स्पीड करनी है। तो ये सिस्टम भी अच्छा है, नहीं तो इंडिया में कई बार होता है कि रेजिडेंट एरिया में भी लोग बाइक ले लेके इतनी स्पीड में भाग रहे होते हैं और गाड़ियाँ ले लेके भाग रहे होते हैं अगर खाली सड़क दिख जाए। बट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बहुत है इस चीज़ के लिए। और जगह जगह पर यहाँ पर स्टॉप्स के बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अगर आपका यू टर्न या कट आता है तो वहाँ पर भी आप को स्टॉप करके तब गाड़ी चलानी है, कि आगे पीछे देखकर ही कोई गाड़ी ना आ रही हो या कोई क्रॉस ना कर रहा हो रोड। तो ये इंस्ट्रक्शंस है। मैं घूमती रहती हूँ तो आप सोचते हो कि ये पूरे टाइम आजकल सर रोड के ही हमें बताने में लगी हुई है। तो यहाँ पर थोड़े रूल रेगुलेशन है, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना बताया जाए कि इंडिया में और यहाँ पर कितना कंपैरिजन है इस चीज़ का, तो इसलिए मैं बताना चाह रही थी। सो मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ अपने ड्रायर से कपड़े निकाल कर। सो गाइज, हमारा काम हो गया है अपने कपड़े वॉश करने का, 1 से 1.25 घंटा हमें लग गया ऑलमोस्ट। तो अब घर जा रहे हैं वापस, और नायरा मैडम हो चुकी है बोर, क्योंकि नायरा को नहलाया भी नहीं था, हमने इसको ऐसे ही लेकर आ गए। तो अब इसको घर पे जाके मैं नहलाऊंगी और उसके बाद अपने लंच की तैयारी करूंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग से बस भाग दौड़ होने में लग रही है। कपड़े वॉश करने थे तो वेडनेसडे वाला दिन थोड़ा हेडिक होता है हमें, कि वही कपड़े वॉश करना है, ये पहले ये काम कंप्लीट करे। तो चलते हैं घर पर। गाइस, हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद नायरा को नहलाया और उसको खाना खिलाया, मतलब दोबारा से मैंने उसको थोड़ा सा खाना खिलाया, और उसके बाद वो सो गई। और उसके बाद मैंने अपना दाल रोटी बनाया, मिक्स दाल बनाई मैंने ढाबे स्टाइल की, और साथ में नान, सिरके वाली प्याज एंड साथ में पापड़। तो अभी हम अपना लंच करते हैं, इतनी थोड़ी देर में नायरा भी उठेगी, तो नायरा को भी थोड़ा सा लंच कराएंगे। मैंने उसको मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको लंच करा के सुलाया जाए। तो थोड़ा बहुत मैंने खिला दिया है, अभी उठेगी तो मैं उसको दोबारा खिलाऊंगी। सो गाइस, हमारा लंच हो गया है, नायरा मैडम ने भी अपना लंच कर लिया है, और मेरा क्लचर इतनी जोर से फेंका कि वो टूट गया। मम्मा नाराज है नैनू, श्योरी बोलते हो और फिर बार बार वही चीज करते हो, क्यों करती हो तुम बार बार वही चीज? ऐसी कौन करता है? दीदी दे डाला। दीदी ने क्या करा, क्या कर रही हो दीदी?
दीदी क्या कर लिए छो ना? दीदी टाटा ओ हैप्पी हेलोवीन बना रही है दीदी। बोलो टाटा को विश कर दो, आज इसके ताऊ ताई जी की हैप्पी एनिवर्सरी है तो नैरा विश करेगी। बोल हैप्पी एनी वर्सरी। बोलो टाटा। गुड गर्ल। फ्लाइंग किस दे दो चलो। एक्चुअली ये अपने ताई ताऊ जी को ताता बोलती है बचपन से ही, पता नहीं इसको क्या है, ये उनको प्यार से ताता बोलती है दोनों को। तो आज उनकी एनिवर्सरी है तो हम दोनों बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। वो मिशिगन में रहते, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग के थ्रू उनको विश किया जाए हैप्पी एनिवर्सरी, है नन्ना एनु। अरे तो सारा प्यार कर दो, बोलो ऐसे ऐसे दे दो। अरे तातो को इतना सारा प्यार, नैरा बहुत प्यार करती है भाई अपनी ताचा को। अरे बाबा, अरे बाबा। नैरा की मस्ती तो ऐसे चलती रहेगी, तो मैं अपना डिनर बनाने जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हमारा डिनर हो गया है, जैसा कि आप नैरा को देख रहे हो, नैरा मैडम कहाँ जमीन पर लेटकर अपने पेन के साथ खेलने में लग रही है और उसका अभी डिनर फिनिश हुआ है तो वो अपनी मस्ती करने में लग रही है। सो हम लोगों ने भी अपना डिनर कर लिया और नैरा ने भी कर लिया, तो इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ गुड नाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट, कट।